पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की एक किताब आई है जिसमें उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार की अग्निपथ योजना के ऐलान ने तीनों सेनाओं को चौंका दिया था। 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेना प्रमुख के रूप में देश को सेवाएं दे चुके नरवणे ने अपनी किताब फोर स्टार ऑफ डेस्टिनी में लिखा है। उन्होंने 2020 में पीएम मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था। इसमें अग्निवीरों की तरह ही जवानों को कुछ समय के लिए भर्ती करने का सुझाव दिया गया था जो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए मान्य था। कुछ समय बाद प्रधानमंत्री कार्यालय अग्निपथ योजना लेकर आया। इसमें थल सेना के साथ साथ वायुसेना और नौसेना को भी शामिल किया गया। इस योजना ने आर्मी से ज्यादा वायुसेना और नौसेना को चौंका दिया था। अग्निपथ योजना को लेकर बाद में कई बार चर्चा हुई। इसमें सेना ने 75% जवानों को सेना में बनाए रखने और 25% को सेना से मुक्त करने की बात कही थी, लेकिन जब जून 2022 में सेना की अग्निपथ योजना शुरू हुई तो सिर्फ 25% अग्निवीर को ही कार्यकाल के बाद 15 साल तक सेवा में रखने का फैसला लिया गया। इसके अलावा अग्निवीरों के वेतन वृद्धि की सिफारिश भी सेना ने की थी। नरवणे का ये दावा सामने आने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, अग्निपथ योजना बिना किसी विचार विमर्श के लाई गई विनाशकारी नीति थी। नरवणे ने अपनी किताब में इस बात को कंफर्म किया है। संसद के 141 निलंबित सांसदों की खबरों के बीच ये खबर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।